नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज छापड़ा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे मैथ में पांचवा फर्क हुआ था उसके कुछ क्वेश्चनों के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद क्रमश 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी हमें दिया हुआ है कौन कौन सा, एक तो तीसरा पद दिया हुआ है, एक दिया हुआ कौन सा नौवां पद, यानी दो पद हमें दिए हुए हैं और हमें पद कौन सा ज्ञात करना है। भाई ये जो शून्य है ये कितने नंबर का पद है, यानी हमें एन का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो दिया है, क्या दिया है हमें, दिया है तीसरा पद यानी ए थ्री बराबर कितना है, ए थ्री का मान दिया हुआ है 4। अब ए थ्री का मान 4 है, ए थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2D, ए प्लस 2D बराबर कितना है 4। आगे समझ में, इसको दे सकते हैं समीकरण नंबर 1। उसके बाद में और क्या दिया हुआ है हमें, दूसरा में दिया हुआ है ए नाइन कितना दिया हुआ है, -8। तो A9 बराबर हो जाएगा, A प्लस 9 का मतलब 8D बराबर हो जाएगा -8, समीकरण नंबर 2। अब यदि हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करते हैं तो हमें D का मान मिलेगा। तो देखो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं, पहला समीकरण है a प्लस 2d बराबर 4, दूसरा है a प्लस 8d बराबर -8। और जब हम इन्हें घटाते हैं तो इनके चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। a से a कैंसिल हो जाएगा, 8d माइनस के हैं, 2d प्लस के हैं, तो माइनस के बचेंगे 6d, प्लस के 8 और 4 मिलके हो जाएंगे 12। तो d बराबर हो जाएगा, ये माइनस उधर भेज देंगे, -12/6। तो d का मान कितना आ जाएगा, -2, ये हमारा आ गया d। अब हम d का मान, जो ये हमारा d का मान है, इसे हम समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रखकर किसका मान प्राप्त कर सकते हैं, a का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम d का मान रखते हैं समीकरण 1, हमारा समीकरण 1 कौन सा है, a प्लस 2d बराबर 4, तो a प्लस 2 और d की जगह हम क्या रख सकते हैं, -2 बराबर 4। तो a बराबर हो जाएगा, ये हो जाएंगे माइनस प्लस गुणा होके माइनस के, और उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो 4 + 4 a बराबर क्या मिल जाएगा, 8। a का मान क्या मिल गया, 8। a का मान हमारे पास में है, d का मान हमारे पास में है, और n का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दो मान हमारे पास में है और तीसरा मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो शून्य दिया हुआ है, कौन सा पद है शून्य, हम सबसे पहले मानेंगे कि शून्य क्या है, nवां पद है। अब शून्य के लिए करेंगे, मान लिया शून्य क्या है, a प्लस एन माइनस 1d बराबर 0, a प्लस एन माइनस 1d बराबर 0, के जो शून्य है वो हमने यहाँ पे कौन सा पद माना है, nवां पद मान लिया है। अब n का मान हम निकाल लेंगे, a का मान यहाँ रखेंगे कितना है, 8 प्लस एन माइनस 1, d का मान कितना है, -2 बराबर 0, तो 8 प्लस गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2n + 2 बराबर 0, ये गुणा करेंगे तो 8 - 2n और प्लस के 2 बराबर 0, उधर भेज देंगे 8 और 2 10 हो जाएंगे, -2n बराबर -10, माइनस से माइनस कैंसल, n बराबर आ जाएगा 10/2, तो n बराबर आ जाएगा 5। यानी ये जो शून्य है भैया, 5 हमारे पास में क्या आया, पूर्णांक आया, यानी यहाँ दशमलव में यदि संख्याएं आती तो शून्य इसका पद नहीं होता, लेकिन 5 क्या है, पूर्णांक है, अतः शून्य इसका पद है, और इसका कौन सा पद, पांचवा पद है। अतः एपी का पांचवा पद शून्य होगा। आगे समझ में,
हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं सात से विभाज्य होगी। अब हमें पता है कि यदि तीन अंक की संख्या है तो शुरुआत 100 से हो रही है। अब 100 से शुरुआत हो रही है तो 100 के बाद में ऐसी पहली कौन सी संख्या है जो सात से विभाज्य है। तो सबसे पहले 100 सात से विभाज्य नहीं है, 100 के बाद में 101 भी सात से विभाज्य नहीं है, 102 भी सात से विभाज्य नहीं है, 103 भी सात से विभाज्य नहीं है, 104 भी सात से विभाज्य नहीं है, 105 सात से विभाज्य है। तो इसे करने के लिए पहले समांतर श्रेणी लिखते हैं, सात से विभाज्य तीन अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होगी। देखो सबसे पहले 105 होती है, 105। अब इसमें सात जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी, 105 में सात जोड़ेंगे तो 112, इसमें पाँच जोड़ेंगे सात जोड़ेंगे तो अगली संख्या 119, और लास्ट संख्या हमें निकालनी है। लास्ट संख्या तीन अंकों की है 999। 999 तीन से विभाज्य नहीं है, 998 को देखो वो भी नहीं है, 997 को देखो वो भी नहीं है, 996 को देखो वो भी नहीं है, 995 को देखो वो भी नहीं है, 994 सात से विभाज्य है। तो हमारी अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, 994। ये हमारे पास में क्या मिल जाएगी, समांतर श्रेणी मिल जाएगी। कौन सी समांतर श्रेणी, तीन अंकों की संख्याएं जो सात से विभाज्य है। अब यहां से देखो हमें क्या क्या मिला, यहां a बराबर क्या है 105 और d बराबर क्या है 7 और an बराबर क्या है 994। और हमें ज्ञात क्या करना है, n हमें ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए देखो हमारे पास में ए एन है और ए एन से हम क्या ज्ञात करेंगे, एन ज्ञात करेंगे। अब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन का मान कितना है 994, ए का मान कितना है 105 प्लस एन माइनस वन और डी का मान कितना है 7। अब 105 इधर किस में प्लस में, इधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे माइनस में, इधर क्या बचेगा n माइनस वन और ये 7, और 994 में से 105 घटाएंगे, 14 में से 5 गए 9, या एक बार लिख देते हैं 994 माइनस 105। अब इधर 7 किस में है, गुणा में है, दूसरी साइड किस में जाएंगे भाग में, तो n माइनस वन बराबर हो जाएगा, ये घटाएंगे तो हो जाएगा 14 में से 5 9 और 8 में से 0 8, 9 में से 1 8 बट्टा 7। तो n माइनस वन बराबर हो जाएंगे, भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 सातु 49, तो n बराबर हो जाएगा 127 प्लस 1, तो n बराबर 128। यानी 7 से विभाज्य तीन अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 128। अतः तीन अंकों की सात से विभाज्य कुल 128 संख्याएं है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n तथा nवां पद 1/m हो तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का mnवां पद 1 के बराबर होगा। mnवां पद यानी हमारे पास में क्या है, n है, हमें और क्या क्या चाहिए भाई, पद का दिया हुआ कितना है, एक है, कौन सा पद है एक, एमएनवा पद एक है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमारे पास में एन का मान है, हमें क्या क्या चाहिए, ए और डी चाहिए। देखो यहाँ पर दिया हुआ एमवा पद 1/n है, एक समीकरण यहाँ से मिलेगा, एक मिलेगा एनवा पद 1/m है, इन दोनों समीकरणों से हम ए और डी निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो दिया है ए एम बराबर 1/n, यानी n वहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी m वहाँ पर दिया हुआ है 1/n। अब इसके लिए सूत्र क्या होगा, a प्लस m माइनस 1d बराबर 1/n। आगे समझ में, a प्लस m माइनस 1d बराबर 1/n, इसको हम क्या दे सकते हैं, समीकरण एक। दूसरा हमें कहाँ से मिलेगा, a n बराबर दिया हुआ है 1/m, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस वन डी बराबर 1/m, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2।
अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर एक में से समीकरण नंबर दो घटाएंगे। समीकरण एक से समीकरण दो घटाने पर घटाएंगे, देखो एक बटा एन माइनस एक बटा एम हो जाएगा, एक बटा एन माइनस एक बटा एम हो जाएगा। दूसरी साइड ये क्या है, ए प्लस एम माइनस वन डी, माइनस हो जाएगा इसमें से क्या, ये ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ से इसके एलसीएम ले तो एम एन, यहाँ हो जाएगा एम माइनस एन बराबर, ये क्या हो जाएगा ए प्लस, इसको गुणा करेंगे तो एम डी माइनस डी, ये चिन्ह माइनस का है, ये आ गया ए माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा एन डी माइनस डी। अब देखो एम माइनस एन बटा एम एन बराबर, ये ए और ये ए आपस में कैंसिल हो जाएगा और बाकी का लिखे तो एम डी माइनस डी माइनस एन डी और माइनस माइनस प्लस डी, ये डी इस डी से क्या हो जाएगा कैंसल, इधर क्या बचा एम डी माइनस एन डी, यहाँ से डी क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो एम माइनस एन बट्टा एम एन बराबर, यहाँ से डी कॉमन ले तो क्या बचेगा एम माइनस एन, एम माइनस एन से एम माइनस एन कैंसल, यानी डी बराबर क्या बच गया एक बट्टा एम एन, तो डी का मान क्या आ गया डी बराबर एक बट्टा एम एन, ये हमारे पास में आ गया डी का मान। अब यदि हम डी का मान समीकरण एक या दो में रखे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, एक का मान मिल जाएगा, तो डी का मान, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो देखो ये समीकरण नंबर एक है, इसमें हम किसका मान रख रहे हैं डी का मान, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं एक बटा एन बराबर ए की जगह ए प्लस एम माइनस वन, एम माइनस वन और डी की जगह लिख लेते हैं एक बटा एम एन। अब आगे सरल करते हैं इसको, एक बटा एन बराबर ए प्लस, इसको गुणा कर लेते हैं अंदर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो देखो सीधी सी चीज़ें एम से एम कैंसल और एक बटा क्या बच जाएगा एन, और इससे करेंगे तो एक बटा एम एन, और ये चिन्ह आगे प्लस का है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बटा एन से एक बटा एन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो ए बराबर क्या आ जाएगा एक बटा एम एन, ये किसका मान आ गया ए का मान। अब हमारे पास में देखो ए है डी है और एन का मान क्या है एम एन है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे एम एनवा पद, अतः एम एनवा पद क्या होगा, एम एनवा पद भाई ए एम एन बराबर ए प्लस एम एन माइनस वन डी, यही होगा, ए और डी का क्या रखते हैं मान रखते हैं, ये क्या दिया हुआ है हमें भाई सिद्ध किसके बराबर करना है एक के बराबर, यानी ये क्या निकालना है हमें एक निकालना है, तो ए एम एन बराबर ए का मान एक बट्टा एम एन प्लस एम एन माइनस वन और इसका भी मान क्या है एक बटा एम एन। अब इसको सरल करते हैं, ये एम एन से एम एन कैंसिल हो गए क्या हो जाएगा एक हो जाएगा और एक से गुणा करेंगे तो एक बटा एम एन हो जाएगा, तो ए एम एन बराबर एक बटा एम एन प्लस ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा माइनस एक बटा एम एन। आगे समझ में, ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, एक बटा एम एन माइनस एक बटा एम एन जीरो हो जाएगा और बचा हुआ क्या है एक, अतः ए बराबर एम एन बराबर क्या हो गया एक, यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। चौथा क्वेश्चन हमारा है, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमश 14 तथा 18 है। यहाँ पर भी क्या है दूसरा और तीसरा पद दे रखा है, एन का मान हमारे पास में है 51, क्योंकि 51 पदों का क्या करना है योग, तो दूसरा और तीसरा पद दे रखा है, इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं पहला पद ज्ञात कर सकते हैं और डी का मान ज्ञात कर सकते हैं, और उसके बाद में एन हमारे पास में है तो हम 51 पदों का क्या ज्ञात कर सकते हैं योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, दिया है
ए टू बराबर 14, तो ए प्लस डी बराबर क्या है 14, समीकरण नंबर एक। दूसरा क्या दे रखा है, ए थ्री बराबर 18, तो ए प्लस टू डी बराबर क्या है हमारे पास में 18, समीकरण नंबर दो। समीकरण एक में से समीकरण दो घटाने पर, यानी हम क्या करेंगे, समीकरण एक में से दो को घटा देंगे, तो क्या है समीकरण नंबर एक, ए प्लस डी बराबर 14 और ए प्लस टू डी बराबर 18। चिन्ह चेंज कर देते हैं तीनों के ही, ए से ए कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस का डी और यहाँ बचेंगे माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल और डी का मान हमें कितना मिल जाएगा 4। डी का मान वापस क्या करेंगे समीकरण एक में रखेंगे, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या, ए प्लस डी बराबर 14, तो ए प्लस 4 बराबर 14, तो ए बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4 बराबर 10, यानी ए का मान हमें कितना मिल जाएगा 10। अब हमारे पास में डी का मान है, ए का मान भी हमारे पास में है और एन का मान दिया हुआ है 51, अतः हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, 51 पदों का योगफल। अतः श्रेणी के 51 पदों का योगफल एस एन बराबर एन बट्टा दो टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो एस 51 बराबर 51 बट्टा दो, दो गुणा एक का मान कितना है 10 प्लस एन का मान 51 माइनस 1 और डी का मान कितना है 4, तो यहाँ आ जाएंगे 4, तो एस 51 बराबर 51 बट्टा दो, इसको सरल करेंगे तो हो जाएंगे 10 दूनी 20, ये हो जाएंगे 50, 50 को 4 से गुणा करेंगे 200, तो एस 51 बराबर 51 बट्टा दो और इनको सरल करेंगे 200 और इसको तो हो जाएंगे 220, तो एस 51 बराबर ये कितनी बार जाएगा 110 बार, तो 51 इंटू 110, तो एस 51 बराबर, यानी इनको क्या करना है, गुणा करना है, 0 51 एकम 51 और 51 के अंदर जोड़ने हैं 5, तो हो जाएंगे 56, 5610 क्या हो जाएगा 51 पदों का योगफल। अतः श्रेणी के 51 पदों का योगफल 5610 होगा। अगला क्वेश्चन है, 32 को 4 ऐसे भागों में विभाजित कीजिए कि चारों भाग समांतर श्रेणी में हो तथा प्रथम व अंतिम संख्याओं का गुणनफल मध्य संख्याओं के गुणनफल से 7:15 के अनुपात में हो। देखो एक चीज़ क्या दे रखी है, 32 को विभाजित करना है, यानी यदि हम संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएंगे 32। दूसरी चीज़ क्या दे रखी है कि इनका अनुपात किनका, प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल और दूसरा और तीसरे पद का गुणनफल, यदि इन दोनों का गुणा करें तो अनुपात कितना है 7:15 है। दो चीज़ें हमें दे रखी है, यानी हमें फिक्स मान कितने दे रखे हैं, दो दे रखते हैं, और जब दो फिक्स मान दे रखे होते हैं तो हम देखो संख्याओं को किस प्रकार लिखते हैं, यदि सम संख्याएँ हैं, यदि संख्याएँ क्या है सम है, तो हम क्या लिखेंगे ए प्लस डी, एक तो ये होगा, एक होगा ए माइनस डी, ये दो संख्याएं होगी। इसके आगे की संख्या हम किस प्रकार लिखेंगे, भाई यहाँ से d कितना आ गया, एक तो प्लस का d और पहुँच गया कहाँ तक, माइनस तक, यानी d कितने मिले यहाँ पर 2, यानी इसका सार्वांतर कितना है 2d है, तो अगली संख्या क्या होगी a प्लस 3d और इससे पिछली संख्या क्या होगी a माइनस 3d, ऐसे आगे संख्याओं का विस्तार होता रहता है। और यदि यही संख्या क्या हो हमारे पास में विषम हो, क्या हो विषम, तो देखो किस प्रकार होगा, विषम हो तो बीच का पद क्या मानते हैं a मानते हैं, अगली क्या हो जाएगी a प्लस डी, इधर क्या हो जाएगी a माइनस डी, अब सार्वंत्र d है तो इससे अगली क्या हो जाएगी a प्लस 2d और यहाँ हो जाएगी a माइनस 3d, इस प्रकार चलेगी। तो संख्याएं कितनी हैं, 4 है, यानी सम है, तो हम संख्याएं किस प्रकार मानेंगे आपको समझ में आ गया होगा,
माना a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी व ए प्लस थ्री डी, ये चार संख्याएं है। आगे समझ में? अब इनका क्या करते हैं, योग करते हैं। a माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए माइनस थ्री डी, और योग क्वेश्चन में दे रखा है कितना होता है, 32 होता है। अब यहाँ से जोड़ लें इनको, 1, 2, 3 और 4, ये कितने हैं, 4। ये 3d माइनस में है, ये 3d प्लस में है, सॉरी यहाँ पे है ना, और ये d प्लस में है, ये d किस में, माइनस में था, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बराबर कितने हैं, 32। तो a बराबर हो जाएगा 32/4, यानी a बराबर आ जाएगा 8। a का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब हम दूसरी पोजीशन पर चलते हैं, 7:15। अब क्या दे रखा है, a माइनस थ्री डी गुणा ए प्लस थ्री डी बट्टा ए माइनस डी गुणा ए प्लस डी बराबर है 7/15, यानी 7:15 के अनुपात में है। अब इनको गुणा कर लो, a को a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्योर, फिर a को 3d से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3ad, और फिर 3d को इससे करेंगे तो माइनस 3ad, और फिर 3d को 3d से करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 × 3 = 9d² बट्टा a को a से करेंगे a स्क्योर, a को d से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ad, माइनस d को इससे करेंगे तो माइनस ad, माइनस d को d से करेंगे तो माइनस का d² बराबर 7/15। ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास में, a² - 9d² यानी a² - 9d² बट्टा नीचे क्या बचा हमारे पास में, a² - d² a² - d² बराबर 7/15। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a का मान रख सकते हैं, यहाँ पे a का मान रखेंगे तो 8 × 64 माइनस 9d² बट्टा 64 - d² बराबर 7/15। आगे समझ में? अब हम इसे क्या कर सकते हैं, वज्र गुणा कर सकते हैं, 15 को इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 64 - 9d² बराबर 7 64 - d². अब इसको गुणा करो 15 को, 4 × 60 = 6 और 15 × 6 = 90, 90 × 6 = 96, 960 माइनस 15 × 135 d² बराबर 7 से करेंगे, 7 × 28 7 × 42 42 × 2 = 44 माइनस 7 d². इधर 960 प्लस में है, उधर 448 प्लस में है, इधर माइनस 135 d² माइनस में है, उधर 7 d² भी किस में, माइनस में, 448 को इधर में लाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो 135 d² प्लस क्या हो गए, माइनस बच गए उधर 7 d², इधर है 960 माइनस 448। अब इनको घटा लेते हैं, 135 में से 7 जाएंगे, 128 d², इसको घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 4 गया 1, 9 में से 4 गया 5, तो d² बराबर हो जाएगा 512/128, तो d² बराबर हो जाएगा 4, यानी d² का मान कितना आया, 4। अब यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, अब d² बराबर हमें 4 मिला तो d मिलेगा हमें +-2, यानी d का मान क्या मिलेगा, +-2 मिलेगा। अब हम d के मान से और a के मान से क्या ज्ञात कर सकते हैं, चारों संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं हमारे पास में। देखो a1 ज्ञात करने के लिए क्या है हमारे पास में, a - 3d, a2 ज्ञात करने के लिए क्या है, a - d,
A3 ज्ञात करने के लिए क्या है A प्लस डी, और A4 ज्ञात करने के लिए क्या है A प्लस 3D। ये चारों हमारे पास में है, इनसे हम चारों ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि A और D दोनों के मान हमारे पास में है। A का मान हमारे पास में आया था 8 और D का मान प्लस माइनस 2। यदि हम प्लस के 2 लेते हैं तो भी वही संख्याएं आएगी और माइनस के 2 लेते हैं तो भी वही संख्याएं आएगी। यहाँ आप कोई सा भी ले सकते हो, प्लस का 2 भी ले सकते हो और माइनस का 2 भी ले सकते हो। हम यहाँ पे लेते हैं प्लस का 2, तो ये हो जाएगा A का मान 8 माइनस 3 इंटू 2, इसके लिए हो जाएगा 8 माइनस डी का मान 2, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 2, तो इससे क्या हो जाएगा 3 दो 6, 8 में से 6 जाएंगे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 में से 2 जाएंगे 6, यहाँ पे 8 और 2 10, और यहाँ पे 3 दो 6, 8 और 6 14। अतः समांतर श्रेणी 2 6 10 14 होगी। आगे समझ में? आज के लिए इतना ही, बाकी जब अगला टेस्ट होगा तब पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको फिर से याद दिलाने की कोशिश करूँगा कि जो आपकी क्लासें ऑनलाइन चल रही है इनको आप ध्यान से देख लेना, टेस्ट है उनमें अपनी 100% उपस्थिति रखो। आप यदि कुछ संघर्ष करोगे, कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये जो क्लासें हैं, बोर्ड की क्लासें हैं, 10th क्लास है, 12th क्लास है, इनमें अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकोगे। और यदि आप प्रयत्न ही नहीं करोगे तो फिर आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। धन्यवाद।